तो दक्कन फतेह के लिए निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन में 10वीं बार गेटवे ऑफ साउथ के नाम से मशहूर तेलंगाना पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री इस बार 400 प्लस का नारा बुलंद कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के इस नारे को दक्षिण की 129 सीटें हकीकत में तब्दील कर सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री साउथ के 5 राज्यों को फतेह करने के लिए धुआंधार रैलियां रोड शो कर रहे हैं और मोदी ने 129 सीटों के तिलसम को भेदने वाले 120 घंटे के प्लान को एक्टिवेट भी कर दिया है। मोदी का मिशन दक्षिण, दक्कन फतेह को निकले मोदी, साउथ की चाबी खोलेगी 400 सीटों का ताला। तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार कभी रैली, कभी रोड शो और हर जगह मोदी के चेहरे पर दिखता 400 सीटों वाला आत्मविश्वास। दक्षिण भारत में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा शुरू हो चुका है। पीएम मोदी दक्षिण भारत के 5 बड़े राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर है। इन 5 राज्यों में 129 सीटें हैं और पीएम मोदी 120 घंटे में 129 सीटों को कवर कर लेंगे। लोकसभा तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण में अपने चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया। दक्षिण बीजेपी के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। अगर ये खुला तो बड़ी आसानी से बीजेपी 400 प्लस सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। पीएम मोदी आज तेलंगाना में थे, इसलिए सियासी प्रत्यंचा चढ़ाकर जुबानी बाण से सत्ताधारी कांग्रेस और पूर्व सत्ताधारी दल बीआरएस पर निशाना साधा। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। प्रधानमंत्री 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर हैं। ये मिशन आसान नहीं है क्योंकि कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को अभी तक सिर्फ तेलंगाना में थोड़ी सियासी ऑक्सीजन मिल पाई है। यही वजह है कि सिर्फ 10 दिनों में दूसरी बार पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे हैं। 400 पार के मिशन को साधने के लिए पीएम मोदी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और पीएम मोदी की इस कोशिश से साफ है कि इस बार 129 सीटों वाला दक्षिण बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीते चुनाव में बीजेपी को इनमें से 29 सीटें ही मिली थी, जिनमें कर्नाटक में 25 और तेलंगाना की 4 सीटें शामिल थी। दक्षिण के बाकी राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। अब बीजेपी के अपने 370 और एनडीए के 400 पार के मिशन का दारोमदार दक्षिण भारत पर टिका है। इसके साथ ही बीजेपी को देश के बाकी हिस्से में अपनी ताकत बरकरार रखनी होगी। प्रधानमंत्री ने 15 मार्च को केरल और तमिलनाडु में सभाएं की और तेलंगाना में रोड शो किया। 16 मार्च को पीएम ने तेलंगाना के नगर कुरनूल में रैली की और जनता के सामने अपने 10 सालों का लेखा जोखा दिया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पहली बार गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुले, पहली बार करोड़ों गरीबों को पक्के मकान का सुख मिला, पहली बार गरीब को टॉयलेट,
नल से जल, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त वैक्सीनेशन, ऐसी अनेक सुविधाएं गरीब के घर तक पहुंची। पहली बार लाखों गांवों ने रात में बिजली का उजाला देखा। 2024 में बीजेपी को अपना प्रदर्शन कितना बेहतर करना होगा साउथ में, इसे समझने के लिए 2019 के चुनावी नतीजे समझिए। पीएम ने केरल से अपने मिशन साउथ की शुरुआत की, उसके बाद तमिलनाडु गए। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वहीं वोट भी सिर्फ 4% मिले थे। केरल में 20 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन वोट 13% आए। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, यहां बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें आई और वोट भी 20% मिले थे। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट भी सिर्फ 1% था। यानी साउथ के सभी राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का आंध्र प्रदेश में रहा, लेकिन कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीतकर 2019 में बीजेपी ने आंध्र, केरल और तमिलनाडु की कसर पूरी कर दी। लेकिन इस बार तो पीएम मोदी ने टारगेट ही 400 प्लस का रखा है और इसके लिए जीरो से काम नहीं चलेगा, सीटों के नंबर बढ़ाने होंगे और सीटों के नंबर तभी बढ़ेंगे जब वोट बढ़ेंगे। अब हम दक्षिण के 5 राज्यों में सभी पार्टियों की स्थिति सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। साल 2014 में बीजेपी को तमिलनाडु में 1 सीट मिली थी और 6% वोट मिले थे। साल 2019 में सीट भी घट गई और वोट भी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में AIADMK के साथ बीजेपी का गठबंधन था। AIADMK को 37 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में AIADMK का भी सफाया हो गया, वोट शेयर भी 45-19% पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस और डीएमके का 2014 में खाता नहीं खोला था, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई, कांग्रेस को 8 और डीएमके को 24% वोट मिले। अब देखिए केरल की तस्वीर। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन वोट 10% से 13% हो गए। वहीं कांग्रेस को 2014 में 8 सीटें मिली थी, 2019 में 15 सीट हो गई, वोट प्रतिशत में भी 6% का इजाफा हुआ। वहीं CPIM 2014 के मुकाबले 2019 में सीटों के लिहाज से नुकसान में रही। केरल के बाद आपको दिखाते हैं तेलंगाना का हाल। साल 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी और 10% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में बीजेपी को 20% वोट मिले थे और 4 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 2014 में 2 सीटें मिली थी और 2019 में 3 सीटें मिले, वोट भी 5% बढ़ गए। इस बार तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो उसे तेलंगाना से इस बार ज्यादा ही उम्मीद है। रही बात PRS की, तो उसे 2014 में 11 सीट मिली थी और 2019 में 9 सीटें मिली थी। राज्य में PRS की सत्ता जा चुकी है, हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 2014 में बीजेपी को 2 सीट मिली थी और 9% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में सिर्फ 1% वोट मिला और सीट आई 0। 2014 में बीजेपी को इसलिए फायदा हुआ था क्योंकि TDP के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों को नुकसान हुआ। TDP 15 सीट से 3 सीट पर खिसक गई, हालांकि उसका वोट 11% बढ़ा। वहीं कांग्रेस की हालत लगातार खराब हो रही है, 12% वोट से 2% वोट पर आ गई है कांग्रेस, और YSR कांग्रेस 2014 में 8 सीट से 2019 में 22 सीटों पर पहुंच गई है और वोट शेयर भी 50% कर रहा। दक्षिण में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में सबसे ताकतवर दिख रही है। 2014 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी और 43% वोट, 2019 में ये आंकड़े बढ़ गए, सीट मिली 25 और वोट 52%, लेकिन कांग्रेस 2014 में 9 सीटों पर थी जो 2019 में घटकर 1 पर आ गई, और JDS 2 सीटों से 1 सीट पर आ गई। इस बार बीजेपी और JDS के बीच गठबंधन है और बीजेपी को उम्मीद है कि NDA गठबंधन 25 की 25 सीटें जीत लेगी। प्रधानमंत्री 17 मार्च को आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम बीजेपी जन सेना की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे।
आंध्र प्रदेश में एनडीए की रैली को राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के खिलाफ तीन दलों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। मोदी 18 मार्च को तेलंगाना के जगतिया और कर्नाटक के शिमोगा में रैलियों को संबोधित कर सकते हैं और तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो करेंगे। मोदी केरल के पलक्कड़ में भी एक रोड शो करेंगे और 19 मार्च को तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। युवा 28 करोड़ नए युवा वोट देने वाले हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक ये चुनाव होने वाला है और इसको सबको पर्व के रूप में सभी पार्टी को बनाना चाहिए। तैयारी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार ही रहती है, हम भी तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में चुनाव किया जा सके। 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जनता के बीच में जाना, जनता का आशीर्वाद लेकर फिर से सरकार स्थापित करना, ये भाजपा का एजेंडा है। 143 सीटें आपके लिए बची हैं। ये टारगेट उनको उन्होंने क्यों सेट किया? क्योंकि रात को नींद नहीं आती, अब वो टारगेट सेट करके खुश हो जाते हैं, चलो 400 पार, चलो थोड़ा सा 1-2 घंटे सो लेते। तैयारी व्यापक पैमाने पर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में पहले से उतरा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद करता हूँ। बेसब्री से इंतजार था कि जल्द से जल्द चुनावी घोषणा हो और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं और मुझे लगता है इस बार पार्टी और कार्यकर्ताओं से आगे जनता चल पड़ी है। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से साफ हो चुका है कि अभी सभी सियासी दल के तूफानी प्रचार के लगभग सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। लेकिन इस बीच ये देखना दिलचस्प है कि पीएम मोदी ने डंके की चोट पर फिर से कहा है, इस बार 400 पार। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। आपके काम है मोदी उड़े गारंटी। 7 चरण में मतदान, जीत की 7 गारंटी। सोलह मार्च को जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और उनकी टीम सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करने में लगे थे। जिस वक्त चुनाव आयोग 7 चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर रहा था, उस वक्त एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी 7 रणनीतियों से विरोधियों को चित करने की गारंटी दे रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किन मुद्दों पर एनडीए को चुनाव में हराने के दावे करे। 38 से ज्यादा दलों से बना एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। एनडीए का खुनबा बढ़ रहा है और इंडिया का खुनबा बिखर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है, इसलिए
अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानोरिल अधिगम, इत्तमणा 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है, और मुझे लगता है इन्होंने दो चीज तो कर दिया, गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे हालात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है? क्योंकि पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंडअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। 400 प्लस की गारंटी, मोदी के 8 मास्टर स्ट्रोक। इंडिया गठबंधन में अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आपस में इतने मतभेद क्यों हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक कांग्रेस भी सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने सर्वे में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से कांग्रेसी नेतृत्व को लगता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को खास तौर से मुस्लिम वोट बैंक से भरपूर वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट खिसकने के डर से इंडिया गठबंधन से किनारा करना बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से पीएम मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं कि अब एनडीए अपने मुद्दों और फैसलों के दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा करने लगी है। यहाँ देखिए एनडीए के तरकश में वो 8 मास्टर स्ट्रोक क्या है जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को सबका साथ सबका विकास की गारंटी दे रहे हैं, और इसी के दम पर पीएम मोदी बार बार दावे कर रहे हैं कि अब की बार 400 प्लस की गारंटी। सीएए को लेकर एनडीए की तरफ से साफ हो चुका है, सीएए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। राम मंदिर का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने बहुत बड़े वर्ग का प्रचंड विश्वास जीत लिया है। हिंदी बेल्ट में राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी की तारीफ हो रही है। 370 को हटाकर मोदी सरकार ने दशकों से 370 का बना खौफ खत्म कर दिया। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों का विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना रामबाण साबित हुई है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दुनिया भर में भारत की आर्थिक ताकत की तारीफ हो रही है जिसका असर भारत के मतदाताओं पर पड़ रहा है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं में एनडीए का क्रेज बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान पर मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में
आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है, मेरा भारत, मेरा परिवार। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के साथ था, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। हालांकि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन पंजाब में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल में मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां आमने सामने होंगी। इस बीच कई राजनीतिक दलों के मजबूत और लोकप्रिय नेता भी पार्टी के सांसद और विधायकों को लेकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिल गई है, तो वहीं ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु में पार्टी की कोशिश अभी जारी है। यानी चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच चुकी है। जरा देखिए जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन को किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है। एनडीए की तरफ से 5 मार्च 2024 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही चुनावी हथियार बनाए हुए हैं। बाकी दल इस यात्रा में सही से हिस्सा नहीं ले पाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना से लेकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से जोड़ा है। 25 मार्च के बाद से पीएम मोदी 150 से ज्यादा तूफानी रैली और रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता के जहन में 400 प्लस सीटें जीतने का नारा देकर जनता को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई है, जो 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म होगी, लेकिन 15 राज्यों, 110 जिलों, 6700 किलोमीटर का फासला तय होने तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी खुद कांग्रेस की न्याय यात्रा के मकसद और मिशन को ना तो खुद समझ पाए हैं और ना ही जनता को समझा पाए। कौन पीएम का चेहरा है, जीत पर क्या दावे हैं, जनता को नहीं समझा पाए हैं। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था, पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35-35 साल पहले घोषणा हुई, कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि 2019 के मुकाबले 2024 में कुल कितने मतदाता हैं। 2019 में कुल 89.6 करोड़ मतदाता थे, वहीं 2024 में 96.8 करोड़ मतदाता हैं। 2019 में कुल 46.5 करोड़ पुरुष मतदाता थे, जबकि 2024 में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। वहीं 2019 में कुल 43.1 करोड़ महिला मतदाता थी, जबकि 2024 में 47.1 करोड़ मतदाता हैं। कुल वोटर्स में से 18-19 साल के वोटर 1.84 करोड़ हैं, वहीं 20 से 29 साल के वोटर की संख्या 19.74 करोड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है, देश ने घोषणा कर दी है अब की बार
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन क्या करता है। तो आज चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और साफ तौर पर लिखा कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व, सभी उसमें भागीदार बने और किस तरीके से विकास का काम बीते 10 सालों में किया गया और इसी पर जनता निश्चित तौर पर चुनाव करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी और अपने अलायंस के लिए लिखा कि बीजेपी और एनडीए इसके लिए तैयार है। आज हर कोने से आवाज आ रही है, 400 पार। विपक्ष पर भी उन्होंने प्रहार किया और लिखा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, देश विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझने सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब पूरे देश की निगाहें 17 मार्च यानी कि कल होने जा रही विपक्ष की मुंबई रैली पर है, जहां इंडिया गठबंधन कई बड़े ऐलान संभवतः कर सकता है। सत्रह मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6,700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी MBA से नाता तोड़ सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने MBA के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चर्चा है कि MBA ने सिर्फ शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर को भी बुलाया गया था। प्रकाश आंबेडकर ने उस दिन कहा था कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 मार्च को हुई महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में प्रकाश आंबेडकर को नौता तक नहीं दिया गया। कांग्रेस को डर है कि अगर प्रकाश आंबेडकर को ज्यादा सीटें दे दी गई तो कांग्रेस का जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रकाश आंबेडकर ने संकेत दिए थे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने कहा था कि MVA के दल 10 सीटों पर रस्साकशी में लगे हुए हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है, शरद पवार की पार्टी भी टूट चुकी है, वहीं कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद अहम है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें। बिहार में एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 आरजेडी खुद लड़ना चाहती है, जबकि बाकी बचे 10 सीट वो कांग्रेस और लेफ्ट को देना चाहती है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में है। एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हाजीपुर सीट पर मामला फंस गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट फुट पर आ गई है। आरजेडी ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो भी संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस को 7 सीटें ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आरजेडी इस बार कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में नहीं है। इसके पीछे मुख्य वजह है 2020 चुनाव के नतीजे, जिसमें आरजेडी ने बिहार विधानसभा के 243 सीटों में 144 पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीटें जीती, जबकि सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 19 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू के 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एनडीए के साथ मिलकर 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। आरजेडी को अब 2024 चुनाव में तेजस्वी यादव का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है। आरजेडी किसी भी हाल में कांग्रेस को 9 से ज्यादा सीटें देने और खुद 25 से कम सीटों पर लड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का तिथि घोषित किया गया और उसका जो निर्देश दिया गया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है। झारखंड में भी आरजेडी ने अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर के निर्णय नहीं लिया है। पलामू सीट आरजेडी के कोटे में आई है, तो वहीं उनको पलामू की बजाय चतरा सीट चाहिए, जिसे कांग्रेस फिलहाल छोड़ने को तैयार नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल बिहार के समीकरणों में उलझे हुए हैं और यही कारण है कि झारखंड की गुणा गणित में समय नहीं दे पा रहे हैं। लोहरदगा और हजारीबाग की सीट पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ बंगाल के अंदर पहले ही इंडिया अलायंस तार तार हो चुका है। एकला चलो की राह पर चल पड़ी ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में अकेली ही बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का मुकाबला करेगी। बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच अदावत चल रही है। अधीर रंजन चौधरी का दावा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ममता बनर्जी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया है। वहीं टीएमसी लंबे समय से इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराती आ रही है। ममता बनर्जी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम रहा क्रिकेटर यूसुफ पठान का। उनको मुर्शिदाबाद जिले की बैरमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से मिली कड़ी चुनौती के बावजूद वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को किसी भी हालात में मैदान से हटने के लिए नहीं कहेंगे और ममता का ये फैसला कांग्रेस के बंगाल के नेतृत्व पर सीधी चोट है। सात चरण में चुनाव अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकते। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं, ये भी एक देखने की चीज होते हैं। असम के अंदर तो नाखून को काट करके शहीद बनने की राजनीति चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसका दावा ये है कि अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेकर के उसने गठबंधन धर्म के लिए एक मिसाल जो है वो कायम की है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने असम से अपने उम्मीदवार के नाम को वापस लिया है। और इसके साथ ही अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस पर गठबंधन के लिए बलिदान देने का दबाव बनाने की राजनीति में लग गई है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सारा खेल कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुना जाना है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां सरकार की खामियां गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं एनडीए मोदी की गारंटी वाली तस्वीर लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। कल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। 2024 का सियासी शंखनाद। किसे मिलेगी शिकस्त? कौन होगा आबाद? विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर? 2024 के सियासी समर की तस्वीरों में अब और भी रंग भरने वाले हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार मिलने वाली है, मुद्दों को और धार दी जाने वाली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव की तस्वीर बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने है। यही वजह है कि पीएम मोदी नए एजेंडे और नई कूटनीति से विपक्ष को घेर रहे हैं। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मैं हूं अंबानी मोदी के परिवार। पीएम मोदी के लिए हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव सबक होता है, इसीलिए हर बार विपक्ष पर हमले के लिए वो कोई नया तीर निकाल लेते हैं जो विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी,
अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी कम नहीं आंकी जा सकती। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसके अलावा भी विपक्ष एनडीए को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा और हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मुद्दा बड़ा हो गया है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई, तो ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए एनडीए के पास इस बार राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, काले धन पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे दुरूप के पत्ते हैं। यानी सियासी मुद्दों की ये जंग अब और भी रोचक होने वाली है।